वेट वेट चलो क्या प्रतीक सर वेट वेट सर वेट 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 प्रतीक की वेट सारी वेट वेट संदीप भाई संदीप देख सकते हो सर यहाँ पे देख अरे वाह क्या बात है नॉर्मल भी करो लैंडस्केप और नॉर्मल दोनों यस That's a lot. That's a surprise to us. It's a pleasant surprise. Thank you. Yes. Yes. Absolutely. This is my first time, I think. Yes. No, it's not. It's my second time. Sorry. My bad. It's my second time doing a music video. But it was so much fun. It was so much fun because it's. You can imagine this entire world. ये पूरी लंबी कहानी आप एक छोटे से सिनारियो में आप इमेजिन कर सकते हो यू नो वो ब्यूटी होती है म्यूजिक वीडियो की कि वो इतनी लंबी एक्चुअली जब देखते हो कि आपको पता चलता है कि ये काफ़ी लंबी कहानी है लेकिन 3 मिनट का वीडियो है जी है ना सर जी 3-4 मिनट का वीडियो 3-4 मिनट तो सॉरी व्हाट वाज योर क्वेश्चन सेम आई एंजॉयड to the fullest. I got to meet the man, the myth, the legend, Shahji, Jitinder sir. I have, you know, as soon as I met him, मैंने 5 मिनट के अंदर मैं इनका सबसे बड़ा फैन हो गया और मुझे लगा सर मैं आप जो हुक्म करो मैं हाजिर हूँ आप बताओ क्या करना है मैं रेडी हूँ सो इट वॉज दैट काइंड ऑफ you know admiration I felt for him as soon as I met him and as soon as I saw him lekin because the setup was so great it was Shahji it was Kumarji it was Shreyaji it was Pujaji it was Simi it was universal everything it was I mean what could go wrong you know aur acha hi hua hai एक हफ्ते में 10 मिलियन व्यू मिले हैं ये बहुत बड़ी बात है एंड आई थिंक इट्स सर आपसे जानना चाहेंगे लाइक हमेशा से लाइक पंजाबी म्यूजिक को इतना प्यार मिला है जी जी हमेशा से जो भी सॉन्ग आते हैं वो वाकई बहुत प्रभु कृपा है सो क्या कुछ कहना चाहेंगे और भी आने वाले दिन में किस तरीके के म्यूजिक्स आपके यंगस्टर और ज़्यादा आपका शुभ नाम श्रद्धा जी मतलब कि ओके तो ऐसा है कि
सबसे पहले मैं बल्कि ऊपरवाले की कृपा से कुछ दो डेकेड से काम कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ सबसे पहली बड़ी बात। और मैं अपने गुरुओं से सीखकर इस लाइन में आया और उनके आशीर्वाद से ऊपरवाले की कृपा से ये बहुत जो जितना मुझे आता है उससे ज़्यादा मिल रहा है। ये सच है कि जितना बल्कि मेहनत में मैं कसर नहीं छोड़ता, जितना मुझे आता है उससे ज़्यादा दे रहा है वो ऊपर वाला। और मेरी इस गाने में बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि कुमार बाजी ने गाना लिखा, मिस्टर कुमार इज़ अ ग्रेट लिरिसिस्ट, और श्रेया जी ने इसे बहुत बाकमाल गाया, यूनिवर्सल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एज बल्कि हमेशा की तरह। और इसमें सिमी हमारे पंजाब की बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, जब उनका डेब्यू फिल्म था उसका मैं म्यूज़िक कर रहा था और तब से हम जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में मेरे से सबसे बड़ी जो मेरी इच्छा थी कि इस वीडियो में प्रतीक जी हों और इनको मैंने नरेट किया था, इन ये मुझसे बहुत छोटे हैं एज में, तो ही इज़ अ वेरी यंग गाय, लेकिन इतने कमाल के आर्टिस्ट वो सारी दुनिया जानती है और ये कमाल के एक्टर हैं लेकिन बहुत कमाल के इंसान हैं। इन्होंने सेट पर आते ही 2 से 3 मिनट का हमारी काफ़ी इंटरव्यू में लोगों ने पूछा कि आप प्रतीक जी के साथ काम कर रहे थे तो माहौल सेट होने में कितना टाइम लगा, वीडियो में तो बहुत कम टाइम होता है, तो 1.5 दिन में आपने ट्यूनिंग कैसे कर ली। मैं कम पहली बार मिले थे, उन्होंने हमें पहले ही हेलो में उन्होंने मुझे इतने जप्पी मारी सर, हमारी जप्पी पहली पहली हेलो में हमारी 1 मिनट की जप्पी रही हमारी। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे फटाफट बताइए करना क्या है, तो इनका इतना पॉजिटिव थे, इन्होंने ना तो सेट के कोई बंदा बल्कि ऐसा लगा कि हम सब इनको जानते हैं बहुत देर से। ये खूबी होती है। देखिए अगर हमने काम कर लिया, काम पर हम पहुँच गए और वो काम करना है, वो उसे प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, लेकिन उसको चाहे वो जैसा भी है लेकिन उसमें एफर्ट डालना वो हमारे हाथ में होता है। अगर ये खुश अगर इनके फेस पे थोड़ी शिकन है तो सबको पता लग जाता है और वो उसके रिजल्ट्स नहीं आते जी। लेकिन इन्होंने क्योंकि हम सब से जो बॉलीवुड हमारी हमेशा प्रेरणा रहा है, हमारा जो होता है ना सीखने का काम, चाहे म्यूज़िक फिल्म, बॉलीवुड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो ये हमारे बहुत कमाल के अदाकार जिन्होंने कमाल के कलाकार जिन्होंने हामी भरी जिससे हमारी हौसला अफजाई हुई। और यकीन मानिए ओवरऑल वर्ल्ड सब लोग हैरान कि प्रतीक बब्बर जी ने पंजाबी वीडियो किया और बहुत ही कमाल किया। इनकी एक्टिंग के लिए बहुत सारी रील्स बनी, बहुत सारे कमेंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अप्रिशिएट किया गया और आपको बहुत थैंक्स किया गया कि आपने पंजाबी क्योंकि आप पंजाबी हैं तो उन्होंने बहुत कहा कि आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू, मुझे आपने एक्सेप्ट किया। नहीं नहीं नहीं, बहुत करना ही करना था। आपने इतने व्यूज़ दिए, इतना अप्रिशिएट किया। और ये मैं समझता हूँ, आई फील कि ये सर की वजह से नहीं बिल्कुल। लेकिन सर हमें पता है कि पंजाब में कितने बड़े हस्ती हैं, कितने सारे फैंस हैं सर के, और मैं भी हूँ फैन सर का। नहीं, एब्सोल्युटली सर, सिमी जी और मैं सर पीछे से आ रहे थे गाड़ी में, हम लोग वेट कर रहे थे, कहीं शूट करनी थी, वो गाड़ी आ रही थी पीछे से और हम लोग कहीं वेट कर रहे थे और हमारी जो बातें चल रही सर के बारे में, यार ये मतलब सिमी कह रही यार सर, मतलब जितनी तारीफ उतनी कम। सिमी जी अपने किस्से सुना रही है, मैं सुन रहा हूँ, यार नहीं यार ये सर स्पेशल है। और उनके लिए ना आई फील लाइक वो मुझे महसूस हुआ सर। हाँ सर 500% देना है आपको, मुझे सर 100-200 क्या सर, हमें आपकी पहली जफी में मुझे महसूस हुआ, बस आपने बहुत मान रखा, 500% देना है सिमी और मैंने दोनों यार सब करना है सर के लिए। थैंक यू सो मच। Exactly what you said, that the lyrics, the
the song itself, it's a kind of sad, romantic, feel-good song. बिल्कुल. और how could I say no? Jatinder Shah ji, Shreya Ghoshal, Universal Music, Simi Chahal, Pooja, how could I say no? It's impossible to say no. Thank you so much. It's impossible to say no. So, and I was anyways very excited about the Punjabi industry. I've always been. मुझे बहुत मैं जब सोचता हूँ कि यार कभी कभी मैं पंजाबी सॉन्ग करूँ या फिल्म करूँ या इंशाल्लाह मुझे मौका मिले तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ. जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि आई थिंक मेरे पापा को बहुत प्यार मिला है. और बहुत प्यार मिला है और देते रहते हैं. और आपको पता उन पीवीआर ने स्पेशली हमारा पहली बार किसी गाने का टीजर पीवीआर हमारे दिल्ली तक पूरे पंजाब में नॉर्थ इंडिया में हमारा गाने का टीजर पीवीआर में लगातार 2 वीक चला. अभी 1 वीक हो गया तो 1 वीक और चलेगा तो 2 वीक चलेगा. तो उनको उन्होंने खुद ही चलाया. बोलते कि हमें क्या इतना अच्छा लग रहा है कि और स्पेशली उन्होंने बोला कि प्रतीक बब्बर एंड सिमी बहुत अच्छे लग रहे हैं तो हमें ये चलाना है. तो हमने फिर उनको भेजा वो सब फॉर्मेट जो उन्होंने मांगा तो वो चला रहे हैं. क्या बात है. आई थिंक ऑफ स्क्रीन मोमेंट यही जो मैंने बताया. सर आ रहे थे पीछे और हमारी तारीफ चल रही है सर की बंदी नहीं हो रही है. किससे सिमी जी किससे सुना रहे. मैं सुन रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ यार नहीं यार सर स्पेशल है ये कुछ मतलब यू नो वन इन अ मिलियन. और वो यू नो यू वॉन्ट टू डू एवरी थिंग फॉर शाह जी. तो नहीं भाई भाई वो एक किस्सा था. एंड आई थिंक जब कट होता था तो काफ़ी फ्रेंडशिप्स हुए दोस्तियाँ बढ़ी. माहौल बढ़िया था. मस्ती हुई काम के साथ मस्ती हुई. शिमला में शूट किया तो और शिमला में सर कहाँ वो हमने चहल और फिर शिमला. हाँ चहल किया पहले चहल फिर शिमला फिर करेक्ट. तो दोनों जगह मैं पहली बार गया. यू नो बिकॉज ऑफ दिस म्यूजिक वीडियो वाज़ द फर्स्ट टाइम आई ट्रैवल टू शिमला. एंड मुझे भी एक्चुअली बिलीव नहीं होता कि यार मैं पहली बार शिमला गया लेकिन हाँ और बहुत मज़ा आया वहाँ पे. सर शिमला में कहाँ थे हम. मॉल रोड में वहाँ पे छोटी छोटी वहाँ के जो दुकानें थे खाने पीने के और वहाँ काफ़ी चटपट खाना खाया. और आई थिंक द एंटायर ट्रिप काफ़ी वो पूरा पूरी पूरे पूरे डेढ़ दिन जो हमने बिताए साथ में वो भूल नहीं पाएंगे. और बहुत ही मेमोरेबल रहा. एक्चुअली भाग दौड़ इतनी थी. हाँ. काफ़ी सारी चीज़ें हम चाहते थे इनको कि कहीं चंडीगढ़ में या किसी खास जगह पर हम इकट्ठे खाना खाते पर इनका इतना टाइट शेड्यूल था बहुत ही और ये सोए भी नहीं. और लेकिन जब हम जो टाइम फिक्स किया था ये 5 मिनट पहले रेडी होते थे और एकदम फ्रेश. मैं सोचते थे सोए नहीं हम बल्कि हमारे तो शक्लों पे क्योंकि हम तो पैकअप के बाद भी 2-3 घंटे 13 बज रहे थे 12 भी नहीं तो मैं ये जाग रहे थे या पहले. तो कहने का मतलब कि सो पॉजिटिव और एनर्जेटिक. सर दिस वाज ऑल यू सर शुक्र है आपकी एनर्जी ने हमें एनर्जी दी. आई थिंक बस वही डिफरेंट होता है. टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होता है और शूटिंग के दिन कम होते हैं. और बट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप पूरी एक पूरी कहानी आप एक छोटे से
टाइम फ्रेम में आप गुजार सकते हो और आपको दिखने मिलती है, तो आई थिंक वो काफ़ी फैसिनेटिंग है. आई थिंक द ओनली डिफरेंस इज इट्स वेरी बेसिक, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. डायलॉग नहीं होते कभी कभी, आई थिंक इट डिपेंड्स, कभी कभी डायलॉग नहीं होते, कभी कभी होते हैं. लाइक हमारे वीडियो में एक आध दो डायलॉग थे, बहुत ही कम जी. किस में लिपसिंग होता है, किस किस में डांसिंग होता है, सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन, बट आई थिंक द शूट प्रोसेस तो वही होता है मेरे ख्याल से. लेकिन मुश्किल होता है क्योंकि एक एक्टर के लिए कि जैसे डायरेक्टर तो सोच लेता है कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन एक्टर के लिए थोड़ा हो जाता है. जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि विदाउट डायलॉग एक एक्टर को परफॉर्म करना है और कहानी के ऊपर परफॉर्म करना है, तो वो चीज़ को इन्होंने बहुत, बाकी मुझे अब इन्होंने और अंडरलाइन की बात, तो वाकई इन्होंने वो बस सब सोच कर वो परफॉर्म किया जो वो नज़र आ रही स्क्रीन पे, जो वो अच्छा लग रहा है. जी. मुश्किल ही होता है क्योंकि 3-3.25 मिनट के गाने में जस्टिफाई करना सबको काफ़ी मुश्किल होता है. बिल्कुल. जी मैं अब काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन मैं टेक्निकली एक ही बारे में बात कर सकता हूँ. फिल्म जो है, ये फिल्म का नाम है वो लड़की है कहाँ, ये इसमें मैं हूँ, प्रतीक गांधी है और तापसी पन्नू है, तीनों के पैरेलल लीड हैं. और ये कॉमेडी थ्रिलर कहूँगा मैं, थ्रिलर, सिचुएशनल कॉमेडी थ्रिलर है. फोमो शॉर्ट सीजन 3 रिलीज पे है, थर्ड सीज़न अक्टूबर में मेरे ख्याल से, अक्टूबर नवंबर. और भी है, इंशाल्लाह मैं बात कर पाऊँ बहुत जल्द. ब्रह्मास्त्र में मैं नहीं हूँ, वो रूमर है, 4 साल से वो रूमर वो फैला हुआ है और घूम रहा है और उड़ रहा है ये रूमर कि मैं ब्रह्मास्त्र में हूँ. मैं नहीं हूँ, मैं ये गुरफते हैं, गुरफते उसका नाम है ना, गुरफते हैं उसमें. और मैंने एक्चुअली मैं चार साल से इंटरव्यू दे रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ कि यार मैं नहीं हूँ. और मैं एक इंटरव्यू में मैं तंग आ गया, मतलब यार मैं अयान मुखर्जी को अभी फ़ोन करा, बोला साले तू मुझे फिल्म में डाल दिया, बहुत हो गया अभी, तो बहुत हो गया यार. रोज़ पूछते मेरे को तू है, तो कैसे लगा आपको एक्सपीरियंस, हम लाइक नहीं, अब अयान को फ़ोन करना पड़ेगा. No, I'm not in Brahmastra, but all the best to Team Brahmastra, to the newly wedded, beautiful newly wedded couple, Ranbir and Alia. And four more shorts, part two is also going to come. How yes. excited the audience should be now? Extremely excited. Extremely excited. There is lots of drama, lots of drama, lots of twists and turns, lots of... roller coaster होने वाला है. इस season 3 is going to be one hell of a roller coaster. तो दोनों बहुत अच्छे हैं. जी जी सर, ये मैं वेट कर रहा हूँ सर, ये तो कहीं और घूमने वाला है. हाँ हाँ हाँ, ये तो हाँ जी. बड़ा बहुत मुश्किल हो गया, तो कितना चैलेंजिंग रहता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा. हमारा काम करने का पैटर्न वही है, लेकिन मुश्किल बहुत हो गया. पहले अपना जॉइंट फैमिली की तरह एक एल्बम आती थी, अभी न्यूक्लियर अपना इंडिविजुअल फैमिली की तरह एक एक गाना आता है. और एक गाने के अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं नए लोगों के लिए, हम भी नए थे एक टाइम पे तो, लेकिन हमें स्ट्रगल करके और प्रोसेस से हम लोग जैसे आए अपने गुरुजनों से सीख के, आशीर्वाद से और तरीक़ायदे से किसी को ऐसा करके आए,
और अभी क्या है कि हमारा वर्ल्ड ना बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी क्या है कि इतना ज़्यादा, पहले एल्बम बनाने में एक आर्टिस्ट का 2 साल में एक एल्बम आता था, तो वो 2 साल एक 8 गानों पे या 10 गानों पे मेहनत करता था। तो मैंने कैसेट से लेके आज डिजिटल तक, टचवुड में वो जुड़ा हुआ हूँ, और मैं अपने से बड़े, हमारे से जो लेजेंड्स हैं, एक्चुअल लेजेंड्स हैं जिनको लेजेंड कहा जाता है, आज तो एक गाना किसी का हिट हो जाए उसके नाम के आगे लेजेंड लग जाता है। बल्कि मैं भी, मैं एक स्ट्रगलिंग एक कंपोज़र हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। जो एक्चुअल में लेजेंड है, मुझे उनके साथ भी काम करने का मौका मिल रहा है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उनको देखा है और नए लड़कों के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब कि वो जो पहले होता था ना, एक एक गाने के बोल ढूंढने के लिए, एक एक गाने को बनाने के लिए, जो एक एक नहीं 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 जो एक घबराहट और एक जो एक एंजाइटी होती थी, यार अच्छा करना, अच्छा करना क्या, और एक एक्साइटमेंट होती थी जब हो जाता था, जो खुशी होती थी, पहले उसी को बजा के घर पे नाच रहता था कि हाँ हमने कुछ कर लिया, फिर ऑडियंस पे पहुंचता था, वो धीरे 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 वायरल होता था और लंबा चलता था। तो अभी क्या, अभी गाना डाला तो उसके, अगर गाना अच्छा लगा तो उसके बहुत व्यूज़ हो गए, पॉपुलर हो गया, और बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं कि गाना समझ नहीं आया तो और भी चीज़ें हो गई डिजिटल वर्ल्ड में, तो उसके भी व्यूज़ हो गए, तो वो कुछ अभी समझ आना मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं कि ये सर्कल है, घूम फिर के वहीं आता है। पहले मेहनत और काम की जो तादाद थी वो कम थी, लेकिन क्वालिटी बहुत थी, लेकिन अभी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसमें क्वालिटी देना थोड़ा सा, सांस लेने के लिए टाइम नहीं है कंटेंट को। क्या बात है सर, लास्टली आप अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा म्यूज़िक सुने और अच्छे आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करें और अच्छे म्यूज़िक को प्रमोट ज़रूर करें और अच्छे एक्टर्स को प्रमोट करें और अप्रिशिएट ज़रूर करें। अगर आप कुछ किसी कमेंट में लिखना चाहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन जो अच्छा है वो भी लिखें, क्योंकि उसको सब लोग पढ़ते हैं तो उससे हौसला अफजाई होती है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड कभी भी ये ख़त्म नहीं होने वाला, ये प्रेरणा ही बना है शुरू से। लोग पहले कपड़े पहनना, स्टाइल वो ऑब्जर्व करते थे सिनेमा से, गानों से, मोहब्बत करना सीखते थे, तो आज भी वही है, नाचते हैं, गाते हैं, तो उसको प्यार दीजिए और उसको अप्रिशिएट भी कीजिए कि किसने किया है, किसका क्या है।